शुरू करते हैं आज की क्लास पावर पॉइंट की। तो आज हमें पढ़ना है स्लाइड शो। तो यहाँ पे आपको स्लाइड शो का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। स्लाइड शो मेन्यू के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं तो आज हम यही देखेंगे। तो स्लाइड शो, व्हाट इज स्लाइड शो? स्लाइड शो मीन्स, स्लाइड का मतलब होता है ये जो एक, ये मैंने परसों भी बताया था, दिस इज वन स्लाइड, ठीक। इफ़ यू इंसर्ट अनदर वन तो यहाँ पे बन जाएंगी टू स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स। अब दूसरा इसका पार्ट है शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब यानी ये किस तरह दिखेगी, तो दैट इज शो। तो अब इसका पूरा मतलब क्या बनेगा, यानी स्लाइड किस तरह दिखेगी, दैट इज स्लाइड शो। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये हमारे पास स्लाइड शो के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फ्रॉम बिगिनिंग, तो दूसरा आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो क्या बहुत ही आसान सी बात है, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है यानी जो पहली स्लाइड है, कौन सी वाली, पहली वाली। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट स्लाइड, क्या लिखेंगे, तो ये वाली रहेगी, ये जो हमारी दूसरी वाली है इसका नाम क्या रहेगा फिर, सेकंड स्लाइड। तो ये पहली और दूसरी आ गई। अब अगर हम फ्रॉम बिगनिंग रखते हैं, फ्रॉम बिगनिंग, तो मैं इनको उल्टा कर देता हूँ, पहले मैं रखता हूँ सेकंड, फिर रखता हूँ पहली वाले। अब अगर मैंने फ्रॉम बिगनिंग रखा तो आप देखिए पहले क्या आया, उसके बाद बात आई समझ। अब इनको वापस कर देते हैं, यानी पहले क्या है फर्स्ट, दूसरी क्या है सेकंड, ठीक। अब अगर मैं करूंगा ना फ्रॉम करंट स्लाइड, करंट स्लाइड का मतलब होता है जो मेरी सिलेक्टेड स्लाइड है, अभी कौन सी सिलेक्टेड है, सेकंड वन, यही यहां पे भी दिखा रहा है और यहां पे भी इसी पे होवर हो रहा है। तो अब अगर मैं बोलूंगा फ्रॉम करंट, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट सेकंड वाली जो है वो ही डिस्प्ले हो जाएगी। बात आ रही है समझ, है ना, ईजी। अब अगर इसके साथ आपको तीसरी होगी तो आप क्या करोगे, यहां पर जो है आप अगर आप तीसरी करना चाहते हो तो इसको, इसका नाम लिखो थर्ड, ठीक है, एस एल आई डी। तो ये आ गई थर्ड स्लाइड। अब देख लीजिए अगर मैं यहां से करता हूं ना क्या स्लाइड शो में फ्रॉम करंट, तो यहां पे यही वाली आएगी। अब इसमें एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो यहां पे एक ही चीज आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज अगर आपके पास दो या तीन होते, यानी जितना भी इसमें कंटेंट होता वो एज पर जो एनिमेशन और ट्रांजेक्शन उसके साथ हुई होंगी उनके साथ साथ ही डिस्प्ले होता, जिस तरह मैंने कल दिखाया था एनिमेशन कैसे डिस्प्ले होता है, ये मैंने कल दिखाया था ना, ट्रांजेक्शन भी दिखाया था परसों। तो अब जितने भी आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए होते तो ये उसी हिसाब से डिस्प्ले हो जाता, बस फर्क ये है कि पहले करंट स्लाइड अगर हम रखते हैं तो वही स्लाइड पहले आ जाएगी, अगर हम फ्रॉम बिगनिंग रखते हैं तो अभी मेरी सिलेक्टेड स्लाइड कौन सी है, लेकिन अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग करता हूँ आप देखो फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। बात आई समझ, है ना, ईजी। तो ये आ गया। देन वी हैव कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है स्लाइड शो को बदलना। कस्टम स्लाइड का मतलब होता है कि जो, यानी आप अपनी मर्जी से सेट करो। एक होता है हमने यहाँ पे मर्जी बताई कि या तो हम पहली कर सकते हैं या वही वाली जिस जो हमने सिलेक्ट की हुई है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे जो कस्टम का मतलब होता है, कस्टम में आपकी मर्जी है, पहले आप पहली वाली करो, पहले आप लास्ट वाली करो, फिर पहली वाली, उसके बाद तीसरी स्लाइड जो है वो लास्ट सेकंड लास्ट होनी चाहिए, यानी अपनी मर्जी से, जो आपकी मर्जी, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसी के साथ हमें ये समझ आएगा। तो जब आप कस्टम शोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्लाइड सिलेक्ट करनी होगी स्लाइड। तो यहाँ पे हम पहले नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कस्टम स्लाइड शो, इसको आप अपना नाम रख सकते हो, जैसे कि माई स्लाइड शो, ठीक है, मेरा, या अपना नाम भी रख सकते हो बेटा। तो यहाँ पे आप समझो हमारे पास तीन स्लाइड्स है ना, तीन। अब हम पहले करेंगे दूसरी वाली को डिस्प्ले, यहाँ पे आपको ऐड करना है, आ गई पहले, फिर करेंगे पहली वाली को, ठीक, फिर करेंगे फिर से दूसरी वाली को, फिर करेंगे तीसरी वाली को, और फिर करेंगे फिर से दूसरी वाली को। अब देखो हमारे पास कितनी थी, तीन, तो बनी कितनी, पाँच। तो कर लीजिए ओके। तो जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पे माई स्लाइड आया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो शो, ठीक है। तो यहाँ पे आप शो करो तो देख लीजिए आप, पहले कौन सी आई, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगी, तो बात आई समझ, है ना, ये। तो दिस कस्टम। इसी तरह अगर आपके पास 50 स्लाइड्स होंगी, यानी जो रियल 50 होगी, तो आप उनको कैसे कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, यानी जो आपको पहले चाहिए हुआ पहले कर सकते हो, चाहे नंबर उसका कोई भी हो, ठीक है। या तो ये भी तरीका है, इससे पहले मैंने आपको एक तरीका दिखाया था, अगर आपको ये वाली स्लाइड पहले दिखानी है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करो और ड्रैग करो ऊपर, तो अब इसका नंबर वन आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्लाइड है लेकिन यहाँ से नंबर वन पे है, तो ये भी मैंने तरीका आपको दिखाया था। उसके बाद अगर आपको ये वाली दिखानी थी दूसरे नंबर पर, आप इसको ऊपर कर लो, है ना, ईजी। तो
तो ये मैंने आपको दिखाया था ना, तो यही काम यहाँ से भी हो रहा है, बट यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं कि आप एक ही स्लाइड को 10 बार दिखा सकते हो, 1000 बार, जितनी आपकी मर्जी, ठीक है, नीचे है कथा इस वक्त। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, और यहाँ पे आपको ये जो कस्टम शोज है ना, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट का मतलब होता है यानी अगर आप इसको बदलना चाहते हो, जैसे कि ये वाला, अब पहले कौन सी है, सेकंड, पहले हमें चाहिए फर्स्ट वाली, तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल करोगे, तो अब कौन आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस सेकंड को भी कैंसिल कर दो, तो अब ये इसी तरह आएगी जिस तरह ये है, बात आई समझ। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो और यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिमूव करना होगा यानी ख़त्म कर देना, तो रिमूव, अगर इसी तरह की और एक बनानी है तो कॉपी कर लो, और अगर आपने ख़त्म किया सारा काम तो क्लोज कर दो, ये आया समझ। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में आपके एडवांस ऑप्शन मिलते हैं इसी का, किसका, स्लाइड शो का, यानी स्लाइड किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए उसमें आपको कस्टम यानी और भी एडवांसड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे शो टाइप यानी किस तरह का शो होना चाहिए, इसमें तीन टाइप्स है। सबसे पहला जो है दैट प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन, तो अगर आप स्पीकर के थ्रू करना चाहिए, जिस तरह मैं प्रोजेक्टर के थ्रू अभी कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्टर से मेरा स्पीकर भी कनेक्ट हो सकता है, है ना, लेकिन हमने नहीं किया, हमने डायरेक्टली सिस्टम के साथ किया हुआ है स्पीकर कनेक्टर। तो यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, तो ये आपको फुल स्क्रीन में मिलेगी ये वाली प्रेजेंटेशन, और ये अभी बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्लाइड आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, फुल स्क्रीन। दूसरा होता है ब्राउज़र्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, यानी किसी इंडिविजुअल विंडो में आपको ये डिस्प्ले कराना है, तो अगर आप ये रखते हो तो आपकी इसका साइज कम होगा, बात आ रही है समझ। और अभी तो आप इसी तरह बनाओगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे ना, यानी जब आप स्लाइड शो रन करोगे, तो इसमें डिफरेंस होगी, ठीक है। देन वी हैव द शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस का मतलब होता है कि आपके जो आपका जो स्लाइड शो है, यानी शो का मतलब आप स्लाइड शो का, उसके अंदर जो ऑप्शन है एडवांस वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे शो विदाउट नरेशन, नरेशन के बगैर ही दिखाओ, यानी जब आप स्पीकर पे प्रेजेंट करोगे ना बेटा, तो उस वक्त इसमें नरेशन भी आती है। नरेशन कहते हैं यानी नरेटर एक बंदा होता है, यानी जो डायरेक्टली आपको नरेट कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे नरेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा ना कौन सी चीज़ कैसी है, तो इसी को कहते हैं नरेशन, क्या बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे शो विदाउट नरेशन का मतलब क्या होता है, यानी आप डायरेक्टली इनको चलाओ और इनमें टाइम वाइम कुछ भी नहीं लगना चाहिए, नहीं हमें नरेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। शो विदाउट एनिमेशन, जो भी इनके अंदर एनिमेशन है उन सबको ख़त्म कर दो, बताई समझ, यानी इसका मतलब होता है डिले वगैरह जो हमने रखा है उसको ख़त्म कर दो, क्या कर दो, ख़त्म। और इसका मतलब होता है कि विदाउट एनिमेशन, अब हम क्या करते हैं, एनिमेशन को रहने देते और ओके कर देते हैं, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो नरेशन का मतलब होता है यानी आपको एक्सप्लेन करने का टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो दूसरा है हमारे पास शो विदाउट एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब मैंने कल बताया था कि अगर आप इस पे एनिमेशन अप्लाई कर देते हो, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लोट इन का ऐप ये कर दो, ठीक, अब अगर आप इसको रन कर देते हो, तो आप देखो इस तरह मैंने किया, अब ये हुआ ना एनिमेशन के साथ, तो विदाउट एनिमेशन का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पे स्लाइड शो पे, और यहाँ पे कर दीजिए शो विदाउट एनिमेशन, देन क्लिक ऑन ओके, तो जब आप इसको रन करोगे आप देखो ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, आया समझ। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आता है और एक ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ पेन कलर। पेन कलर का मतलब होता है जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करोगे उस टाइम पे अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो इसमें, ठीक है, तो वो किस तरह दिखेगा इसमें, किस तरह की यानी उसका कलर कैसा होना चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो और यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और देन वी हैव लेज़र पॉइंटर कलर, ये तब यूज़ करते हैं हम जब हम इसके अंदर हमने लेज़र कनेक्ट किया होगा किसके साथ, सिस्टम के साथ, और इसी तरह जो है दूसरा पेन यूज़ या तो पेन यूज़ किया हुआ होगा, तो उस टाइम पे जो हम लाइट डालेंगे ना लेज़र से, तो उसकी लाइट कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड होती है, लेकिन वो कनेक्ट करना पड़ता है इसके साथ, मैंने कभी नहीं किया है तो इसलिए मुझे इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों का मकसद ये है। पेन कलर का मतलब होता है यानी पेन का कलर कैसे आना चाहिए अगर आप पेन यूज़ करते हो, यानी जिस तरह मैं यहाँ पे कर्सर यूज़ कर रहा हूँ ना, इसी तरह पेन यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट, शो स्लाइड्स, कौन कौन सी स्लाइड्स दिखानी है, तो यहाँ पे आल, आल का मतलब होता है सारी स्लाइड्स दिखाओ। अगर आप आल नहीं रखना चाहते हो तो फ्राम रख लो, फ्राम 1 to 3 अभी दिखा रहा है, तो अगर हम करेंगे फ्राम 3 to 3 तो देन यहाँ पे ओके कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली तीसरी वाली डिस्प्ले, अभी किस पे हूँ मैं, दूसरे पे, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखो तीसरी वाली खुद ही हो गई, तीसरी वाली है ना फर्स्ट, चलो मैं अब उसको तीसरी बना देता हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ,
लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए मैं डायरेक्टली किस में आऊँगा, थर्ड में, जो कि तीसरी वाली है। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब आप यहाँ पे कर सको, यहाँ पे एडवांस में जाके 3 to 3 यानी 3 से 3 तक। अब अगर आप, मैंने पहले बताया, अगर आपके पास 50 है लेकिन आप खाली बीच वाली 2-3 दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक सेट कर सकते हो। तीसरा इसका, इससे भी एडवांस ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड कस्टम। कस्टम में अभी मैंने दिखाया कौन कौन, आप पहली ले लो, तीसरी ले लो, पांचवी ले लो, पचासवीं ले लो, बस वही खाली डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करोगे, लेकिन पहले आपको वो बनाना होगा कहाँ पे, इसमें कस्टम स्लाइड शो में, और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो उसका नाम आएगा। अभी हमने इसका नाम क्या रखा था, हाँ, माई स्लाइड शो रखा था ना, तो यहाँ पे वही नाम आएगा। तो जितने भी आपने बनाए हुए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर उनमें सेलेक्ट कर लेना। देन स्लाइड शो मॉनिटर, मॉनिटर कौन सा है, यानी स्लाइड आप किस में शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रख लो, दिस इज द बेस्ट वन। चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे इसी तरह कंप्यूटर पे दिखाओ, चाहे किसी और पे दिखाओ, चाहे टीवी स्क्रीन पे दिखाओ, यानी बड़ी स्क्रीन होती है ना, जिस तरह आपने देखे होगा यहाँ पे चौक में है ना, बड़ी डिस्प्ले होती है ना। देन वी हैव द प्राइमरी मॉनिटर। अब ऑटोमेटिक और प्राइमरी मॉनिटर कहते हैं जिसमें आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, या जिसमें प्रेजेंटेशन इस वक्त है उसी में दिखाओ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मॉनिटर। दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में यानी जो इसके साथ, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसी से कर दो। तो देन वी हैव द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन तभी आप सेट कर पाओगे जब आपके पास ये वाला होगा प्राइमरी मॉनिटर। तो उसके बाद जो है यूज करंट रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन का मतलब होता है साइज ऑफ द डिस्प्ले, ये तो पता ही है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे बड़ा है यानी यूज करंट रेजोल्यूशन, यानी जो इसका करंट है वही कर दो, बाकी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप तीन ऑप्शन मिलते हैं, 1366 × 786। तो ये है क्या, स्लो वेस्ट हाइस्ट फ्रेंडली। तो उसके बाद है 1024 786 768 800 600 840 480। तो ये आप कर सकते हो इनमें से कोई भी अप्लाई, ये रेजोल्यूशन है यानी इसका कितना साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही मैं वापस रख देता हूँ, ठीक है, तो ओके कर देते हैं। देन वी हैव द हाइड स्लाइड, यानी अगर आप कोई छुपा के रखना चाहते हो तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग, तो यहाँ पे ये वाली जो है हाइड रहेगी। अभी ये दूसरी वाली है ना, अब पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाली खाली, थर्ड से डायरेक्ट, ठीक है, यानी जो इसके अंदर कंटेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त ये कलर चेंज हो रहा है, ये देखो ये हो गई हाइड, ये हो गई डिस्प्ले। ठीक, देन वी हैव द रिहेस टाइमिंग्स। स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो फॉर टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच। तो ये बोल रहा है कि आप फुल स्लाइड स्क्रीन, जहाँ पे जो यहाँ पे आपको मिलता है ना एनिमेशन में प्रीव्यू, ट्रांजिशन में प्रीव्यू, ये प्रीव्यू का ऑप्शन, इसका मतलब होता है यानी आप करंट स्लाइड को देख लो और आप देख लो कि ये किस तरह डिस्प्ले हो रही है। जैसे अभी देख लो बेटा, ये वाला प्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है, सेंटर में, दूसरा वाला कहाँ पे हो रहा है, ऊपर में, तीसरा वाला कहाँ पे होता है, ऊपर में। तो जब आप इसको रन करोगे ना, देखो जब आप इसको रन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये किस तरह आ रहा है, बीच में आ रहा है या यहाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। पहले देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद प्रेजेंट करो, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, यानी आप इसकी प्रैक्टिस करो, यानी हर एक चीज को देखो कि ये कैसे आ रहा है। जैसे मैं अभी कोई इमेज इसमें इंसर्ट करूंगा, यानी शेप, कोई भी शेप आप ले लो, अब मैंने इस तरह प्रेजेंट की है, ये मैंने बाहर लगाई, बजाहिर में तो ये पूरी आ गई ना, लेकिन जब आप इसको रन करोगे बेटा तो ये पूरी नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग अस टू मेक इट परफेक्ट। भाई परफेक्ट बनानी है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले क्या करना होगा, प्रीव्यू देखना होगा इसको कि यानी ये किस तरह आ रहा है। अभी मैंने प्रीव्यू देखा इसका तो ये गलत आ रही है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अंदर ले आऊंगा, इतना अभी भी देखो ये पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा अभी आधा बाहर है, बात आ रही है समझ। तो इट मीन्स दैट कि ये आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, का भी ये बराबर आएगा। ठीक है, अभी इसको इस तरह रख लो, ठीक है, अब रन कर लो, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये सीधी तरह नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब वापस आओगे और इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, या इस साइड में करोगे, या जहाँ पे आपकी मर्जी, और इस तरह रख लो और साइज़ कम कर लो, एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो अब देखो ये परफेक्ट आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, यानी इस पूरी डिस्प्ले में आ रही है और पूरी तरह से आ रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड, यही था इसका क्या मकसद, यानी रिहेज टाइमिंग। और ये भी देख लो कि टाइमिंग कितना टाइम किसके लिए, अगर आपने ऑटोमेटिक टाइम सेट किया हुआ है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और आप प्रैक्टिस कर लो, वो बात आ रही है समझ। जैसे कि आप देखो बेटा, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम रखोगे, उसके बाद यहाँ पे आप पहली चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, अभी आपने पहली चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, यानी आपने कंप्लीट नहीं की, दूसरी चीज़ आ गई ऑटोमेटिक, ये दूसरी आएगी ना खुद ही,
तो दूसरी आ गई, अभी आपने दूसरी पहली वाली खत्म नहीं की तो तीसरी आ गई, तो आप मुझे बताओ फिर आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि पहले प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझ आ रही है बात। तो आप इसको प्रैक्टिस करो बार बार और देखो कि मतलब मैं इसको कवर कर पाऊंगा या नहीं, और कितना टाइम, और थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है टाइम, ठीक है। अगर आपने अभी 5 सेकंड रखे हैं, जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करना है तो आपने 5 सेकंड रखे, तो जब आपको लग रहा है कि 5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, अगर एग्जैक्टली 5 सेकंड लगते हैं ना, तो आप इसको 6 सेकंड पे रख दो, क्यों, एक्स्ट्रा 1 सेकंड जो है वो होना चाहिए आपके पास, ताकि ये हो कि आपको अगर 1 सेकंड अलावा लगे भी तब भी आपकी प्रेजेंटेशन सही से प्रेजेंट होनी चाहिए। बात आई समझ? तो दैट इज रिहर्स टाइमिंग्स। तो अब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टाइमर चलेगा, यानी आपने इसको कितने टाइम में एक्सप्लेन किया और कितने टाइम पे आपको इसको, मतलब इस स्लाइड में कितना टाइम लगा, इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, और साथ में इनमें एनिमेशन का कितना टाइम लगा ये भी आपको दिखाएगा, ठीक है, और कितना टाइम, तो इसका इसी को बोलते हैं हम क्या, रियस। तो अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 7 सेकंड, 7 सेकंड में मैंने खत्म किया, तो डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, अगर आप रखना चाहते हो तो यस कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो कर लो, ठीक है। बेहतर है कि अच्छे से कर लो और उसके बाद टाइम सेट कर लो। देन वी हैव द रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये कल मैंने बताया था, ये यहाँ पे भी है रिकॉर्ड, ये एनिमेशन का है, ये स्लाइड शो का, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी जिस तरह एनिमेशन रिकॉर्ड होता है उसी तरह स्लाइड शो भी रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, अभी हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी जो है चल रहा है, तो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू रिकॉर्ड दिस सेपरेटली। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो उस टाइम पे क्या करोगे बेटा, यानी आपको एक ही क्लास बार बार देनी पड़ रही है, तो आप एक बार रिपीट इसको रिकॉर्ड कर लो, फिर एक्सप्लेन कर दो, यानी बच्चों को वीडियो भेज दो तो वो देखेंगे, फिर बता रही है समझ। लेकिन इसके साथ उस टाइम पे साउंड भी होनी चाहिए। देन वो याद प्ले नरेशन, तो ये तो वहाँ पे भी मैंने दिखाई है, वही 3 चीज़ें यहाँ पे सेपरेट भी है, प्ले नरेशन, यानी अगर आप नरेशन भी इसके साथ, जैसे नरेशन किसको बोलते हैं, यानी आपने किसी चीज़ के साथ साउंड ऐड कर दी है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्लाइड, अब आप इसको नरेटर के थ्रू क्या करना चाहते हो, एक्सप्लेन, तो वो पढ़ना चाहिए इसको, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, आपने देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं है, तो इस तरह भी हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब जब हम फाइनल में, आज तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है एक प्रेजेंटेशन पूरी बनाएंगे, पूरी एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट से एंड तक कैसे बनाते हैं, जिसमें हम तकरीबन 10 स्लाइड्स बनाएंगे, बात आई समझ। उनमें एनिमेशन भी करेंगे, उनमें ट्रांजिशन भी डालेंगे, और उनमें स्लाइड शो के भी ऑप्शन अप्लाई कर देंगे, और जो है होम इंसर्ट ड्रा डिज़ाइन इन सब को अप्लाई कर देंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिकल में सीखो कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। चलिए फिर, ठीक है, आज के लिए इतना फिर काफ़ी है, तो कल देखते हैं इंशाल्लाह इससे आगे।